वीडियो में आपका स्वागत है। और यहाँ पर हम फिर एक और खबर लेकर आ गए हैं। जैसे फेमस यूट्यूबर होते हैं वो अक्सर चर्चाओं में रहते हैं अपने किसी न किसी बात को या किसी विवाद को लेकर, तो आज ऐसा ही एक और वीडियो। लास्ट टाइम भी हमने वीडियो बनाया था जहाँ पर हमने मनोज डे और सौरभ जोशी के बारे में बात की थी, जो दोनों आपस में लड़ते रहते हैं। वो क्यों लड़ते हैं, वो अपने आपस में इस तरह के कमेंट्स करते हैं और एक दूसरे के जो सब्सक्राइबर तो उनको गेन करने के लिए वो सारा काम करते हैं। तो यहाँ पर हम फिर से एक और वीडियो आ गया है मनोज डे का ही, और मनोज चोरी हो गया है। यहाँ उसने अभी अपने एक पोस्ट में डाला कि मेरा मोबाइल चोरी हो गया है और किसी को भी अगर मिलता है तो प्लीज मोबाइल को रिटर्न कर दें। तो ऐसा कैसे हो सकता है? और कोई अगर मान लीजिए कोई तगड़ा यूट्यूबर है, उसका मोबाइल चोरी हो जाता है या खो जाता है, कहीं मिस हो जाता है, तो वो अपने यूट्यूब चैनल पर आकर बोलेगा कि मेरा मोबाइल खो गया है, किसी को मिले तो वापस कर दे। अब किसी को मिले वापस कर दे मतलब किसी को पता हुआ या उसमें अनलॉक नहीं लगाया हुआ मनोज जी ने, या मनोज जी का ऊपर से नाम लिख के आ रहा होगा फोन के ऊपर कि हाँ जी मनोज जी का फोन है, तो कैसे किसी को पता चलेगा यदि मनोज जी का फोन है? कोई अगर फोन चोरी हो गया, गिर गया, कहीं खो गया है, तो वो सबसे पहले किसी को भी मिलेगा, वो फोन को क्या करेगा, अनलॉक करवाएगा। और अनलॉक करवाने का जो प्रोसेस होता है उसमें फोन हो जाता है फॉर्मेट, कोई रिटर्न नहीं मिलता है, उसके बाद आप उस फोन को पता नहीं कर सकते हैं कि किसका फोन था। तो ऐसे में क्या ये फोन पॉसिबल था कि वो मिल जाए किसी को और वो उसको वापस कर दे? तो सबसे बड़ी बात है ये फोन नहीं मिल सकता था, लेकिन एक दिन बाद दूसरा वीडियो आता है और बोलता है कि थैंक यू मेरा फोन मिल गया है और मेरा एक यूट्यूबर था उन्होंने लौटा दिया। आप चाहे तो क्लिप भी दिखा रहे हैं हम साइड वहाँ पे, आप समझ पा रहे होंगे। तो ऐसा कभी भी पॉसिबल नहीं होता किसी का फोन खो जाए और उसके बाद वो फोन मिल जाए। क्या मतलब मैंने पासवर्ड नहीं लगाया था, क्या पासवर्ड अनलॉक करके छोड़ दिया था, फोन दे दिया था सीधी देख लो ये मेरा फोन है, नाम लिखा हुआ है मनोज जी का। ये बहुत सारी चीजें हैं जो जानबूझ के की जाती हैं, इस तरह के लोगों को बेवकूफ बनाया जाता है यहाँ पर, ताकि लोगों को लगे कि सच में ऐसा हुआ है और वहां से ये अपने व्यूअर्स अपने चैनल पर व्यू लेके आ जाते हैं ऐसे वीडियो बनाकर, और वहां से अपना अपनी जो अपने आप को दिखाते हैं कि देखिए हमने हमारा फोन खो गया था, दूसरा वीडियो बनाया हमारा फोन मिल गया। तो ये कुछ नहीं है, एक टॉपिक नहीं होते हैं तो इस तरह के टॉपिक जबरदस्ती क्रिएट कर लेते हैं और जबरदस्ती इस तरह के वीडियो बनाए जाते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा व्यू बटोर पाए पब्लिक के, और जो पे यूट्यूब पे जितने पब्लिक है वो सब वीडियो देखती है, लाइक करती है और लगता है सब सच्चाई हो रही है, बट सच्चाई नहीं होती है। तो हम आपको ये बताना चाह रहे थे कि ये सच्चाई नहीं है, ये फेक वीडियोस होते हैं, जानबूझ के इन वीडियो को क्रिएट किया जाता है। तो ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो, जानकारी भरी वीडियो देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए, साथ में लाइक कीजिए, शेयर कीजिए वीडियो को। ऐसे ही नई जानकारी के साथ फिर मिलेंगे, तब तक ध्यान रखिए अपना, जय हिंद, वंदे मातरम। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी दबाइए। मिलते हैं ऐसे ही किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना, जय हिंद, वंदे मातरम।